था जब डीएम साहब को बोले कि श्रीमान जी बताइए कि मंदिर बना देने से, मूर्ति रख देने से हमारा देश अमेरिका को पाछे छोड़ सकता है, सीओ साहब खाली नहीं करते हैं और विद्यालय बच्चा अभी हमनपुर में आषाढ़ भादो का महीना में दोनों बगल पानी रहता है और छोटा छोटा बच्चा है, वो स्कूल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे जाएगा, और शिक्षा से तो बच्चा लोग को वंचित किए हुए हैं। अभी हमारे गांव में देखिए गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर है, विद्यालय बनना चाहिए, इसमें अविलंब खाली करके अब विद्यालय बनना चाहिए, यही हमारे मांग है। मोगल चौक महोदीनगर के मोगल चौक मांझा पर दो स्कूल बनना था, जिसके सामाजिक कार्यकर्ता राम उचित सहनी जी ने उस स्कूल को लेकर कई एक बार डीएम तक का लेटर दिया है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। चलिए उन्हीं के जुबानी सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। कि 2013 में बिहार सरकार द्वारा महोदीनगर प्रखंड अंतर्गत करीमनगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 माझा गांव बीसर स्थान में नवसृजित विद्यालय खोला गया और वहां पर बिहार सरकार की जमीन खाता 115 खाता जो है बिहार सरकार अनावास सब साधारण है, उन्हें 3 बीघा जमीन है, उसको हम लिख कर दिए सीओ साहब के कि बुनियादी सुविधा होना चाहिए, गरीब के बच्चों के लिए विद्यालय बनना चाहिए, अतिक्रमण बात चला, पीजीआर में दिए, द्वितीय अपील डीएम के यहाँ से ऑर्डर भी हो गया पास, लेकिन महोदीनगर का सीओ आज तक अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, उस पर 7 वो मंदिर का मूर्ति रख दिया गया। आज जब डीएम साहब को बोले कि श्रीमान जी बताइए कि मंदिर बना देने से, मूर्ति रख देने से हमारा देश अमेरिका को पाछे छोड़ सकता है, सीओ साहब खाली नहीं करते हैं और विद्यालय बच्चा अभी हमनपुर में आषाढ़ भादो का महीना में दोनों बगल पानी रहता है और छोटा छोटा बच्चा है, वो स्कूल 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कैसे जाएगा, और शिक्षा से तो बच्चा लोग को वंचित किए हुए हैं। अभी हमारे गाँव में देखिए गरीब का बच्चा शिक्षा से दूर है, विद्यालय बनना चाहिए, इसमें अविलंब खाली करके अब विद्यालय बनना चाहिए, यही हमारे मांग है। डीएम साहब का नोटिस था ना खाली करने का, कब का था वो? तो 2020 में था, अतिक्रमण ऑर्डर हुआ था, उसका पेपर भी हम आपको दिए हैं, देख लीजिए, उसमें खाली का ऑर्डर था 13 मार्च का, लाल टिक मार के चिन्ह ऑर्डर हो गया खाली करने का, लेकिन सीओ साहब द्वारा अतिक्रमण मुक्त नहीं किया गया, जिसे आज तक विद्यालय नहीं। फिलहाल किनके गिरफ्त में अतिक्रमण है जमीन? जो असामाजिक तत्व जो है वहाँ के अतिक्रमण किए हुए हैं। अभी देखिए सीओ साहब द्वारा नोटिस जो किया गया है 14/3/23 को डेट था नापी का, आउटपुट दिए है लेटर 20/3/23 को, उसमें एक में हमको अतिक्रमण बाद में दे दिए ताकि डर जाए, आप नापिए ना भाई, हमारा घर तो बहुत दूर है, होता है तो क्लियर कर दीजिए, तोड़ दीजिए, क्लियर कीजिए, आप सोचिएगा कि अतिक्रमण मुक्त नहीं, तो अतिक्रमण मुक्त करा कर विद्यालय बनाया गया। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ राम उचित सहनी।